गुड मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर चल रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसे होती है, कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन्हीं सब टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक, जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि दो टॉपिक और हैं, उनको कंप्लीट करते ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। वैसे प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था, लेकिन आज एक बार और समझा देते हैं कि ब्लड के द्वारा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो बच्चों, सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान CO2 का रिलीज होता है। ये CO2 टिश्यू फ्लूइड में आ जाती है और फिर ब्लड में आ जाती है। तो बच्चों, जो 5-7% जो CO2 है वो डिसॉल्व होती है प्लाज्मा के अंदर, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। लगभग 23%, जो 23% CO2 है एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ओके। और 70% जो CO2 है बेटा वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में और फिर ब्लड से राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड देन फिर लंग्स में होता है और लंग्स में से फिर ये एटमोस्फेरिक एयर में रिलीज कर दी जाती है, एल्वियोली के अंदर रिलीज करके फिर एटमोस्फेरिक एयर में रिलीज कर दी जाती है। तो बच्चों, टोटल CO2 का 5-7% जो पार्ट है वो डिजोल्व हो जाता है प्लाज्मा में और इस डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है। 23% जो CO2 है, जो 23% CO2 है बच्चों, ये हीमोग्लोबिन के एमीन ग्रुप के साथ में बॉन्डिंग कर लेती है और क्या बना लेती है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना लेती है और इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है बेटा। तो मैं यहां पर ये इक्वेशंस लिख देता हूं। यहां जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है।
बच्चों ध्यान से देखिए, ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे कि जो सबसे पहले क्या होता है कि जो CO2 रिलीज होती है, ये CO2 मूव कर जाती है आरबीसी के अंदर, ये CO2 मूव कर जाती है आरबीसी के अंदर, ओके बेटा। और आरबीसी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। तो ये जो CO2 है आरबीसी के अंदर वाटर के साथ में रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, H2CO3। ये क्या है बच्चों, कार्बोनिक एसिड है, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। तो CO2 और वाटर का रिएक्शन होने पर क्या बनता है, H2CO3 बनता है और ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसके लिए एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। इसके बाद में ये जो कार्बोनिक एसिड है इसकी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है बेटा। तो स्प्लिटिंग होने पर क्या बनता है, एच प्लस आयन अलग हो जाता है और एच सी ओ थ्री माइनस आयन अलग हो जाता है। ये आरबीसी के अंदर होता है, ये कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर। तो एच सी ओ थ्री माइनस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है बेटा। अब ये जो एच प्लस आयन है ये हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और एच डॉट एच बी बना लिया, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है। और फिर एमीन ग्रुप के साथ में CO2 के साथ में रिएक्शन, एमीन ग्रुप और इनके साथ ऐड हो जाता है और CO2 की रिएक्शन होने पर क्या बन जाता है, H.HB.NH3OOH बन जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद में ये जो HCO3- है, ये HCO3- क्या करता है बेटा, ये RBC से बाहर डिफ्यूज हो जाता है अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन के कारण से, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि RBC से जो HCO3- यानी कि जो आयन है, जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये बाहर आ जाता है प्लाज्मा के अंदर। अब प्लाज्मा के अंदर जो सोडियम आयन है ये रिएक्शन करते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में अब ट्रांसपोर्टेशन होता है, 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ठीक है। जब बच्चों HCO3- आयन आरबीसी से बाहर डिफ्यूज होते हैं तो आयनिक बैलेंस को बनाने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी की को बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो प्लाज्मा के अंदर जो क्लोराइड आयन है ये क्लोराइड आयन मूव कर जाते हैं आरबीसी के अंदर। इसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और इसे हम हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं। ठीक है बेटा, दोबारा सुनिए, आरबीसी के अंदर जो बाइकार्बोनेट है HCO3- है, ये जब डिफ्यूज हो जाते हैं प्लाज्मा के अंदर तो इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए और आयनिक बैलेंस को बनाने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर मूव कर जाते हैं और इसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं, ओके बेटा। तो ये कंसेप्ट था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब पहुंच जाते हैं आल्वियोली तक, लंग्स तक, ब्लड के साथ में, और साथ ही साथ जो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन है, ये भी जब पहुंच जाते हैं तो इनका डिसोसिएशन होता है alveolis, क्योंकि alveolis तक जाने पर क्या होता है कि वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि डिसोसिएशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और alveoli में रिलीज कर दी जाती है वहां से एटमोस्फियर के अंदर। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण से डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम द बाइकार्ब सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फ्रॉम द कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड हेल्डेन इफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, हेल्डेन इफेक्ट, ओके, अंडरस्टूड। तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में था। एक बच्चों मेरे को बोर इफेक्ट और समझाना है आपको, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, बोर इफेक्ट क्या है,
कि जब आपको पता है 97% जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज तक, सेल्स तक, ठीक है बेटा। तो जब टिश्यूज या सेल्स तक जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में, तो वहां पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। किन किन कारणों से? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, लो पीएच, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर, इन सब रीजन की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? बोर्स इफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों ये कॉम्पिटिशन के पार्ट हैं, आप ध्यान रखें। आप यहां तक किसी को कोई डाउट है, अगर आपके क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दो। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दो बेटा। समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू। हाँ बच्चों, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का रेगुलेशन कैसे होता है, है ना। आप बने रहे, लास्ट तक बने रहना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेगुलेशन कैसे होता है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, तो आपको भी अच्छा बच्चों एक चीज और करें आप, कि जो भी टॉपिक्स मैं समझा रहा हूँ, वैसे मैं नोट्स आज भेज दूंगा आपको, आप क्या करें एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ते रहें। जैसे आज मैंने टॉपिक समझाया, उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से भी रीड आउट कर लो, शॉर्ट में जल्दी समझ में आएगा, फिर जब मेरे नोट्स आते हैं तो उनको भी आप अच्छे से पढ़ो, तो दोनों तरीके से कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। तो नेक्स्ट लेता हूँ, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ओके बेटा। चलिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, सबसे पहला जो पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक तो है डॉर्सल न्यूरॉन्स, डॉर्सल न्यूरॉन्स, और बी है वेंट्रल न्यूरॉन्स, ठीक है, और पोन्स, ठीक है, सेकंड हो गया पोन्स, और थर्ड हम लेते हैं हेरिंग ब्रूयर, ब्रूयर रिफ्लेक्स आप, हेरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स आप, एओटिक एंड कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर्स और इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर and
ब्लड प्रेशर। अब बच्चों मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ब्रीदिंग का या रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। नेचुरली बच्चों जो ब्रीदिंग है उसका न्यूरल कंट्रोल होता है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ब्रीदिंग कैसे कैसे होती है। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन ब्रीदिंग में सबसे पहले लेते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन का पार्ट है, हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम, जो ब्रीदिंग की रिदम है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें जो डॉर्सल, जनरली क्या होता है कि जो डॉर्सल न्यूरॉन्स होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, वो रिदम को स्टार्ट कर देती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को स्टार्ट कर देती है और रेगुलर इंटरवल पर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होते रहते हैं, तो रेस्पिरेटरी रिदम को ये शुरू कर देते हैं। सेकेंड लेते हैं वेंट्रल न्यूरॉन्स। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो वेंट्रल न्यूरॉन्स होती हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो वेंट्रल न्यूरॉन्स हैं या जो एंटेरोलेटरल न्यूरॉन्स होती हैं, ये जनरली इनएक्टिव रहती है, लेकिन जब भी नीड होती है, डिमांड बढ़ती है रेस्पिरेशन की गैसेस की, तो ये फिर इंस्पिरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पोन्स। पोन्स के अंदर बच्चों, पोन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होती है वो स्विच ऑफ कर देती है इंस्पिरेशन को, ध्यान रखना स्विच ऑफ कर देती है। तो जब भी रेस्पिरेशन चल रहा है, एक लेवल तक चला गया, तो इंस्पिरेशन को रोकने का काम पोन्स की न्यूरॉन्स करती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हेरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स आर्क। बच्चों जो एल्वियोलीज होती है, लंग्स की जो एल्वियोलीज होती है, वहां पर जो मेम्ब्रेन है वहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो जब इंस्पिरेशन होता है, इनहेलेशन होता है, तो जब एक्सेस में होता है, तो वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेच होके वहां से जो नर्व इम्पल्सेज है वो ब्रेन में जाते हैं, और इस तरीके से इनहेलेशन को, और या फिर इसे कहेंगे इंस्पिरेशन को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं या रिड्यूस करते हैं। तो हेरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स आर्क, इसे हम क्या कहते हैं, हेरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये कैसे होता है, एल्वियोलीज की स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से होता है कि जब उनमें स्ट्रेच होता है तो फिर जो इंपल्सेज हैं वो ब्रेन में जाते हैं और फिर इंस्पिरेशन को रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं एओटिक एंड कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर। बच्चों जो एओटा है या जो एओटिक आर्च है और जो कैरोटिड आर्टरी होती है, तो वहां वहां पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये रिसेप्टर्स भी क्या करते हैं, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, इंस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बॉडी टेम्परेचर। बच्चों जब कभी भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है और हमारा ब्लड प्रेशर जो है राइज होता है, तो दोनों ही कंडीशन में इनहेलेशन बढ़ता है, फिर इंस्पिरेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर हैं जो कि इंस्पिरेशन को, एक्सहेलेशन को, एक्सपिरेशन को एंड ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बच्चों यहाँ तक क्लियर है, तो एक बार हैंड रेज कर दो और यदि कोई डाउट है तो पूछ भी लो। एक बार हैंड रेज कर दो, यहां तक समझ में आ गया है तो आपको। यस बेटा, रेज द हैंड अगर आपको समझ में आ गया है। चलिए बच्चों, अब मैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करवा रहा हूं, लास्ट तक बने रहना। कुछ डिजीज हैं इस चैप्टर की, बच्चों कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, मैं समझा देता हूं। सबसे पहले लेते हैं अस्थमा, ठीक है। सेकंड हम लेते हैं ब्रोंकाइटिस,
थर्ड हम लेते हैं एम्फीसीमा, और फोर्थ बेटा हम लेते हैं ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स में ए है सिलिकोसिस, और बी है अब ध्यान से देखिए बच्चों, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सबसे पहला लेते हैं हम अस्थमा। अस्थमा आपने सुना है कॉमन डिजीज है, दमा। अस्थमा में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई होती है, ठीक है ना, जो ब्रोंकाई है उसका जो अंदर का जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और अंदर का जो ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे है वो रिड्यूस हो जाता है, और इससे क्या है सांस लेने में तकलीफ रहती है, तो इस डिजीज को हम कहते हैं अस्थमा। ओके, और जनरली जब ठंड बढ़ती है, कोहरा छा जाता है, डस्ट इंक्रीज हो जाती है एटमोसफियर के अंदर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रहता है, तो उसमें अस्थमा की तकलीफ बढ़ जाती है और अस्थमेटिक अटैक्स आ जाते हैं पेशेंट को। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है बच्चों, कि जो ब्रोंकियोल्स है, जो ब्रोंकाई है वहां पर इंफेक्शन हो जाना, वहां पर स्वेलिंग हो जाना, और डिफ्यूजन का, गैस के डिफ्यूजन का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं ब्रोंकाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है कि जो अल्वियोलर वॉल है, ड्यू टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, स्मोकिंग की वजह से, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, हार्मफुल गैसेस की वजह से, डस्ट की वजह से, जो एल्वियोली की जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है, एल्वियोली की जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है, और डैमेज होने से जो स्पेस है, जो एयर का, वो इंक्रीज हो जाता है, तो ज्यादा एयर, एक्सेस एयर भरी रहती है एल्वियोलीज के अंदर। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं एम्फीसीमा कहते हैं। ओके बेटा, तो जनरली बच्चों इन बीमारियों से बचने के लिए रेगुलर जो एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के, उनको दिखाना चाहिए, वो जो इनहेलेटर वगैरह देते हैं और जो मेडिसिन देते हैं जो कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियल को सही कर देते हैं, वहाँ के इन्फेक्शन को कम करते हैं, ठीक है, वहाँ की स्वेलिंग को कम करते हैं, उन दवाइयों को लेना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ये बच्चों आपको शायद जल्दी समझ में आ जाएगा कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्या है। बच्चों वो लेबर, वो मजदूर जो माइंस में काम करते हैं, जो खानों में, माइंस में काम करते हैं, वहां पर डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पर डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो उस डस्ट पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, लंग्स में डैमेज होना शुरू हो जाता है, लंग्स में इंजरी होना शुरू हो जाती है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाते हैं, फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन के डिफ्यूजन का एरिया डिक्रीज हो जाता है, पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन उस व्यक्ति को मिल नहीं पाती है, और उसका जो बॉडी है वो वीक होता चला जाता है। तो ऐसी बीमारियां रोजगार से संबंधित होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। जैसे कि सिलिकोसिस, जहां सिलिका की माइनिंग होती है, एस्बेस्टोसिस, जहां एस्बेस्टोस की माइनिंग होती है, तो वहां पर जितने भी लेबर वर्क करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। इवन जो लेबर कांच का काम करते हैं, ग्लास का काम करते हैं, तो उनको भी जो ग्लास पाउडर है जब उड़ता है तो वो भी इनहेलेशन के द्वारा अंदर जाता है, वो अंदर एक डैमेज करता है लंग्स को, फाइब्रोसिस कॉज करता है। तो बच्चों ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं, इनमें भी जो लोग माइंस के अंदर काम करते हैं उनको प्रॉपर अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और पूरा मुंह वगैरह कवर करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो बच्चों ये कुछ एक डिजीज हैं जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कुछ टर्म्स हैं बच्चों, हाइपोक्सिया, एस्फिक्सिया, ठीक है, फिजियोलॉजिकल संट, फिजियोलॉजिकल संट, ये कुछ टर्म्स हैं बच्चों, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको।
हाइपोक्सिया क्या है बच्चों? टिश्यूज को या सेल्स को लो ऑक्सीजन की सप्लाई होना, टिश्यूज या सेल्स को लो ऑक्सीजन की सप्लाई होना, इसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपो वर्ड जहां भी है वहां मतलब होता है कम। सेकेंड हम लेते हैं एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया क्या है? सफोकेशन होना, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन होने से सफोकेशन होना, दम घुटना, इसे हम क्या कहते हैं? एस्फाइक्सिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फिजियोलॉजिकल संट। फिजियोलॉजिकल संट क्या है कि जितनी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है एल्वियोली तक, तो उसमें ये एक्सपेरिमेंटली और रिसर्च के द्वारा पता चला है कि केवल 98% ऑक्सीजन, बच्चों दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि जितना भी जो आर्टेरियल ब्लड आता है लंग्स के अंदर और CO2 को फ्री करता है, ठीक है ना, तो केवल 98% पार्ट जो है ब्लड का वो ही ऑक्सीजनेटेड होता है। 98% पार्ट ऑक्सीजनेटेड होता है, 2% जो ब्लड है वो बाईपास हो जाता है, वो उसका ऑक्सीजनेशन नहीं होता है, वो सीधा ही एल्वियोली से बाईपास होके वेन्यूज में और फिर पल्मोनरी वेन्स में चला जाता है, ठीक है ना। तो इस 2% पार्ट को जो कि ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल संट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल संट कहते हैं। अब बच्चों मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में और बताना चाहूंगा। बच्चों एक आयरन का जो मॉलिक्यूल होता है, सॉरी हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। आपने सुना होगा कई बार न्यूज पेपर में आता है कि एक कमरे के अंदर, एक बंद कमरे के अंदर किसी लेबर क्लास लड़की ने सिगड़ी जला ली रात के समय और रात भर में उसका दम घुटने से उसकी डेथ हो गई। इसका क्या कारण है बच्चों? हीमोग्लोबिन के साथ में जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी है वो हायर है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड एफिनिट हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में, तो वो ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देता है और इसके कारण से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से जो व्यक्ति है उसका दम घुटता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के की वजह से होता है, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कल अपनी क्लास में अपन चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को रिपीट कर देता हूँ, आप बने रहना क्लास के अंदर। 10 मिनट्स हैं अभी भी क्लास को कंप्लीट होने में, तो 10 मिनट्स हैं। मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है। एक तो 97% जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है बेटा। तो एक ही जो एक हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बनाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से, और जो 3% ऑक्सीजन है वो डिजोल्व हो जाती है ब्लड के प्लाज्मा में और प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। 100 ml मैं आपको बताऊं कि 1 ml के अंदर, सॉरी जो आपके 100 ml जो ब्लड है उसके द्वारा 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। 100 ml के द्वारा मतलब 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होती है वो 1.34 ml, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होती है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है बेटा। तो जो 100 ml ब्लड होता है, 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है 100 ml में, तो इनटू 1.34 ml ऑक्सीजन, तो यानी कि टोटल आती है 20 ml, यानी कि 100 ml ब्लड के द्वारा 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन जो सेल्स या टिश्यूज हैं उनको केवल 25% ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन का पार्ट यह है कि 100 ml जो ब्लड है वो, जो 100 ml ब्लड है 5 ml ट्रांसपोर्ट तो 20 ml करता है लेकिन सेल्स को या टिश्यूज को कितना देता है? 5 ml ऑक्सीजन देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा।
अच्छा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या बताता है कि पार्शियल प्रेशर जब ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में जो सैचुरेशन है अटैचमेंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जो कि सिग्मोइड शेप में आता है, उसके लेफ्ट साइड के मूवमेंट एफिनिटी को शो करता है और राइट साइड का मूवमेंट ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को शो करता है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा जो ये तो बताया मैंने ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एल्वियोली, 100 ml ब्लड के द्वारा 4 ml CO2 रिलीज होती है एल्वियोली, ओके बेटा। अब कुछ एक फैक्टर क्या है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज या सेल्स तक जाता है तो वहां पर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, लो pH, हाई टेम्परेचर, ये सब फैक्टर क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को इंड्यूस करते हैं। उसी तरीके से जो लंग्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है ब्लड के अंदर, क्योंकि वहां पर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, लो H+ आयन होते हैं, नॉर्मल पीएच होती है, लो टेम्परेचर होता है, तो ये सब क्या करते हैं ऑक्सीजन के डिफ्यूजन को इंड्यूस करते हैं और CO2 के डिसोसिएशन को इंड्यूस करते हैं, ओके बेटा। तो बेटा ये चैप्टर था आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, कल की क्लास में बच्चों अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। आपके यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हैंड रेज करिए और मैसेज। Thank you.